दोस्तों, आप सबने अभी तक सूर्य के सिर्फ सामने हिस्से की तस्वीर देखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को पहली बार मिला है सूर्य के नीचे हिस्से की तस्वीर। चलिए जानते हैं सूर्य के बारे में। जानने के लिए विज्ञान हमेशा उत्सुक रहते हैं। समय समय पर वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य के बारे में जानकारी भी दी जाती है। अब वैज्ञानिकों को पहली बार सूर्य के निचले हिस्से यानी दक्षिण ध्रुव की तस्वीर मिली है। इस तस्वीर में सूर्य लहरें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। कोरोना यानी सूर्य की सतह पर विस्फोट भी दिख रहे हैं। यह तस्वीर यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA के सोलर ऑर्बिटल से ली गई है। आमतौर पर जब किसी ग्रह या तारे के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान को भेजा जाता है, तब वह उस ग्रह के इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से उस ग्रह के ध्रुवों की तस्वीर नहीं मिल पाती है। इसके पिछले वजह शुक्र ग्रह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को भी है। इसके लिए ESA के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के खिंचाव से बचने के लिए अपने सोलर ऑर्बिट के झुकाव को थोड़ा ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से सोलर का झुकाव सूर्य के इक्वेटर लाइन 4.4 डिग्री से ज्यादा हो गया। यही कारण है कि ऑर्बिट सूर्य के निचले हिस्से की तस्वीर लेने में सफल हो पाया है। अब इस इक्वेटर का शुक्र ग्रह के बगल से चक्कर दिसंबर में लगाएगा और तब हमको सूर्य के निचले हिस्से की तस्वीर और अच्छे से मिल पाएगी। ऐसे जानकारी के लिए बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।